नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में बंदर का आतंक। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों के लिए मतदान में पटना के बख्तियारपुर में एक बंदर आकर्षण का केंद्र बना रहा। बंदर के आतंक से मतदाताओं में भय का वातावरण रहा और उसने आधा दर्जन लोगों को काट लिया। पिछले 4 महीनों से इस इलाके में बंदर उत्पात मचा रहा है और वह अब तक तकरीबन 400 लोगों को काट चुका है। दशहरे पर भी उसने 40 लोगों को काटा था। हैरत की बात तो यह है कि बख्तियारपुर आदर्श पोलिंग बूथ है और मतदाताओं के लिए यहां लाल कारपेट बिछाया गया है। इसी पोलिंग बूथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मतदान किया। बेनकाब हुआ पाक, ओसामा हाफिज को मुशर्रफ ने बताया हीरो। आतंक और आतंकवादियों को बढ़ावा देने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठ गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कबूला है कि वो हमेशा से आतंकवाद को प्रशिक्षण देता रहा है। यही नहीं, मुशर्रफ ने आतंकी हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान का हीरो बताया। एक पाक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हमले के लिए ट्रेनिंग दी। आतंकवाद को हमने पाला पोसा, ये हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। मुशर्रफ ने कहा कि सईद के साथ सीमा पार कर कश्मीर में जिहाद छेड़ने वाले लोग भी हमारे हीरो है। ताजमहल के मुरीद हुए फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भारत में हैं। वे भी दुनिया भर में बेमिसाल मोहब्बत की निशानी ताजमहल के मुरीद हो गए। ताजमहल के दीदार करने के बाद उनके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, प्यार ये हमें कैसा अजूबा बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैं हमेशा से ही ताजमहल को देखना चाहता था। इसके बारे में मैंने जितना सोचा था वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जुकरबर्ग ने ताजमहल के ठीक सामने बैठकर अपनी तस्वीर भी खिंचवाई और उसे अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट भी किया और ये जानकारी दी कि इस वक्त मैं भारत में हूँ।